भारतीय गेहूँ जो अनुसंधान संस्थान ने इस वर्ष 5 नई किस्में गेहूँ की ईजाद की हैं और उनकी संस्तुति केंद्रीय प्रजाति विमोचन समिति ने की है। ये प्रजातियाँ हैं DBW370, DBW371, DBW372, DBW316 और एक ड्यूरम वीट की वैरायटी है DDW55। ये पांचों प्रजातियाँ नई हैं। पहली तीन प्रजाति जो मैंने बताई DBW370, 71, 72 वो उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में अगेती बुआई के लिए हैं। DBW316 पूर्वोत्तर भारत के लिए है और DDW55 मध्य भारत के लिए है। इन किस्मों की खासियत यह है कि इनकी पैदावार क्षमता अभी तक की जो इनकी प्रजातियाँ उस श्रेणी की थी उनमें सबसे अधिक है। जलवायु के अनुकूल इनमें पैदावार देने की क्षमता है, यानी कि क्लाइमेट रेजिलिएंट हैं और इन प्रजातियों में गुणवत्ता भी भरपूर है। मैं यहाँ दो चीज़ें और कहना चाहूँगा। 15 सितंबर 2023 से हमारा सीड पोर्टल खोलने जा रहा है। किसान भाइयों से निवेदन करूँगा कि वो सीड पोर्टल पे अधिक से अधिक संख्या में आके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और हम रजिस्ट्रेशन के आधार पर बीज का वितरण लगभग 15 अक्टूबर के आसपास करना शुरू करेंगे। दो और चीज़ महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हमारे पास सीमित बीज होता है और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पे हम देते हैं, तो जो लोग हमारे पास रजिस्टर करेंगे उनको हम एक सीमित मात्रा में बीज देने का प्रयास करेंगे। समय से बुझाई के लिए हम काफ़ी एडवाइजरीज देते हैं और किसानों का भी ये तजुर्बा है कि जो किसान गेहूँ की बुझाई समय से करते हैं उनकी पैदावार देर से बोई गई फसल के मुकाबले अच्छी होती है। जी, तो सर इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए सर अप्लाई करने के लिए? कोई खास नहीं, केवल आधार की एक फोटोकॉपी चाहिए, आधार कार्ड। तो सर इस तरफ संस्थान में मिल पाएंगे या भारत के दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर मिल पाएंगे? नहीं, हमारी जो प्रजाति हैं उसका बीज केवल हम ही देंगे। अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि बीज को किसी तरह से किसान के घर तक पहुँचवाने का प्रावधान ढूँढें, लेकिन हमें कोई भी एजेंसी अभी नहीं मिल रही जो उतनी बड़ी क्वांटिटी 5 किलो या 10 किलो कोरियर से एक इकोनॉमिकली वायबल रेट पे भेज सके। हमसे जो पैसे कोरियर वाले मांगते हैं वो बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं लगता कि उतना किसान देना चाहेगा। तो अभी हमारे भी ये है कि किसान संस्थान में आ सकते हैं और हम उसके सीड का वितरण जो है स्टैगर्ड मैनर में, मतलब कुछ ज़िले हम पहले दिन, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, ऐसे उसका वितरण करेंगे।